हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो आज का सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 18 प्लस ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो कि आपके डेली यूज में बहुत यूजफुल रहेंगे। चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट है, क्या चल रहा है। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए आप, क्या चल रहा है कैसे बनेगा ये, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो ऐसा है ये व्हाट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। नेक्स्ट, तुम्हारा क्या मतलब है, कैसे बनेगा ये अंग्रेजी में, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ये आपका फ्यूचर में हो गया सेंटेंस, कैसे बनेगा देखते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पे विल लग रहा है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगला, कितना बढ़िया सुझाव है, ये तो आपने सुना ही होगा, व्हाट एन आइडिया। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको, व्हाट एन आइडिया। नेक्स्ट, यह दिन बार बार आए, ये कई बार हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है, बहुत कॉमन सेंटेंस है, कैसे बनेगा ये, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अगला वाक्य देखते हैं, कष्ट के लिए क्षमा करें, ये कई बार हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है, कष्ट के लिए क्षमा करें, कैसे बनेगा ये, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, कष्ट के लिए यहाँ पे आ रहा है इनकन्वीनियंस, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगला वाक्य, क्या आप वो दोबारा बोल सकते हैं, कई बार हम लोग इसे सुन नहीं पाते, कुछ वक्त बोलते हैं, क्या आप वो दोबारा बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। ठीक है, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, कुड क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए आ रहा है, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। अगला, अब ये खर्चा और बढ़ गया, ये भी बहुत कॉमनली बोला जाता है वाक्य, कि अब ये खर्चा और बढ़ गया, कैसे बनेगा ये, नाउ दिस इज एन एडिशनल एक्सपेंस। बढ़ना मतलब एक्स्ट्रा के लिए एडिशनल यहाँ पे आ रहा है, नाउ दिस इज एन एडिशनल एक्सपेंस। अगला वाक्य, उसने तुम्हारे साथ चालाकी की, ये आप देख रहे होंगे पास्ट में बनना है सेंटेंस। ठीक है, तो ही प्लेड ट्रिक्स ऑन यू, प्ले की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करी गई है, प्लेड। ठीक है, और चालाकी के लिए ट्रिक्स, तो ही प्लेड ट्रिक्स ऑन यू। अगला वाक्य देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने ये जानबूझकर किया है, कई बार दोस्तों में बातचीत होती रहती ना, हम लोग बोलते हैं यार तूने ये जानबूझकर किया, देखें कैसे बनेगा ये, यू डिड इट इंटेंशनली। जानबूझ के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इंटेंशनली। ठीक है, तो यू डिड इट इंटेंशनली। अगला वाक्य, आप कहाँ से हैं, कभी कभी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं ना तो पूछते हैं आप कहाँ से हैं, कैसे बनेगा ये, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया तो इसलिए वेयर पहले आ रहा है, वेयर आर यू फ्रॉम। अगला वाक्य देखते हैं, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हैं, नई जगह पर जाते समय कई बार ये यूज़ होता है सेंटेंस, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हैं, कैसे बोलेंगे इसे, कुड यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ये रिक्वेस्टिंग मैनर में है इसलिए यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर भी आएगा कुड। ठीक है, कुड यू टेल मी द वे टू पोस्ट ऑफिस, थोड़ी देर के लिए काम रोक दो, इसको कैसे बोलेंगे देखते हैं अंग्रेजी में, कैसे बोलेंगे इसे, टेक अ ब्रेक। आप पूरे सेंटेंस पर ध्यान मत दीजिएगा कि इसमें कि काम रोकने के लिए काम और ये इसके लिए क्या क्या अलग अलग शब्द यूज़ होगा, इसको न सिंपली आपको बोलना टेक अ ब्रेक। ठीक है, अगला वाक्य, इसे ध्यान से पकड़ो। ठीक है, कोई कई बार हम कोई चीज़ किसी को पकड़ाते हैं ना, बोलते हैं इसे ध्यान से पकड़ो, कैसे बोलेंगे इसको, होल्ड इट केयरफुली। ध्यान के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, केयरफुली, तो इसको बोलेंगे होल्ड इट केयरफुली। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं, कुछ स्वादिष्ट बनाओ, कभी कभी घर में या हम कहीं बोलते हैं ना कि यार कुछ आज कुछ स्वादिष्ट बनाओ, कैसे बोलेंगे इसे, मेक समथिंग डिलीशियस। स्वादिष्ट के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिलीशियस। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसे, मेक समथिंग डिलीशियस। अगला वाक्य देखते हैं, यह कब और कैसे हुआ। ठीक है, बहुत ही कॉमन बोले जाने वाला वाक्य, ये कब और कैसे हुआ, कैसे बोलेंगे इसे अंग्रेजी में, व्हेन एंड हाउ डिड इट हैपन। ठीक है, ये
पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए इसको व्हेन एंड हाउ डिड इट हैपन डिड यूज हो रहा है। अगला वाक्य, बड़बड़ करना बंद करो। कई बार दोस्तों में कोई ऐसे भुनभुनाता रहता ना तो बोलते हैं बड़बड़ करना बंद करो, कैसे बोलेंगे ऐसे? स्टॉप बैबलिंग, या फिर बड़बड़ाने के लिए एक दूसरा वर्ड भी है मर्मरिंग, तो स्टॉप मर्मरिंग। अब इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉप बैबलिंग या स्टॉप मर्मरिंग। अगला वाक्य, मुझसे झूठ मत बोलो। सारे सेंटेंस बहुत ही कॉमनली बोले जाने वाले, आपके बहुत काम आने वाले, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। मुझसे झूठ मत बोलो, कैसे बोलेंगे ऐसे? डोंट लाई टू मी। झूठ बोलने के लिए क्या है यहाँ पे? लाई, लाई एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, और डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट, तो डोंट लाई टू मी। अगला, मुझे बताओ तुमने क्या किया। ये भी बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है वाक्य कई बारी, कैसे बोलेंगे ऐसे? टेल मी वाट यू डिड। ये क्योंकि पास्ट में हो गया सेंटेंस, यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा, इसलिए यहाँ पे डिड यूज़ हो रहा है, ठीक है, डू की सेकेंड फॉर्म। टेल मी वाट यू डिड। अगला, आप खिलौने वापस रखो। बच्चों के साथ बात करते हुए बोलते हैं ना, तुमने खेल लिया, चलो आप खिलौने वापस रखो, कैसे बोलेंगे इसे? पुट योर टॉयज बैक। वापस के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ? बैक, तो पुट योर टॉयज बैक। सारी सेंटेंस डेली यूज में बहुत आपके काम आने वाले हैं, सारे आप सेंटेंस सही से पढ़ें समझें, और ये वीडियो आगे भी आप जो दोस्तों को अपने शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। थैंक यू।